एक्सक्यूज मी, बॉम्बे से हमने अनीता के नाम रूम बुक किया था, कैन यू प्लीज टेल मी द रूम नंबर? 20. थैंक यू. अब आते क्या रूम में बैठेंगे? चलो ना कॉफी शॉप में बैठते. चलो. ये दोनों यहाँ? हाँ ये दोनों यहाँ. You're not surprised इनको यहाँ देखकर? नहीं मेरा मतलब है हाँ I'm very surprised. पूजा ये तुम्हारी और दीदी की चाल है. अब छोड़ो ना दीदी, अब आ ही गए तो हेलो बोल देते. हाय. हाय अनीता. आप लोग यहाँ? हम यही तो आपसे पूछने वाले थे. क्यों प्रेम? प्लीज सिट डाउन, बैठिए ना. आप लोग छुट्टी मनाने आए हैं? जी. हम लोग भी वेकेशंस पे आए हैं. क्यों प्रेम? जब परदेश में जान पहचान वाले मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. वन फील्स रियली एट होम. भैया हम लोग स्विट्जरलैंड में नहीं है, लोनावला में. हाँ हाँ. यू नो जब शहर से बाहर चले जाते हैं, इट्स परदेश, यू नो. क्या बात है, तुम दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो नहीं किया. क्या अब तक झगड़ा चल रहा है? नहीं दीदी, वो हेलो बोलने का दिल ही नहीं किया. और मुझे भी कौन सा हेलो बोलने का दिल कर रहा है भैया. प्रेम यू रियली डोंट हैव एनी मैनर्स. से हेलो टू द लेडी. मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते कहता हूं कि इसे हेलो कहो. हेलो. इस तरह से नहीं, नॉट विद एंगर, प्यार से, विद स्माइल. हेलो पूजा जी. पूजा बैड मैनर्स तुम्हें हेलो कह रहा है, जवाब दो. हेलो. बाय द वे व्हिच रूम आर यू स्टेइंग? 202. अजीब इत्तेफाक है, वी आर इन 203. वेटर चार कॉफी ले आना और कुछ पकोड़े. भैया कह दो. क्या? आप हाँ तो कहिए, बोल देता हूँ. लेकिन क्या? अरे भैया आप हाँ तो कहिए, बोल देता हूँ. नहीं पता नहीं तू क्या कह देगा. कुछ सीक्रेट बातें हो रही है. अनीता जी जब आप लोग यहाँ आई गए तो क्यों ना ब्रेकफास्ट लंच टी डिनर वगैरह वगैरह हम लोग रेस्टोरेंट में साथ में कर लें. भैया का आइडिया है. मेरा आइडिया है? भैया आप ही का तो आइडिया था, खुद बोल दीजिए ना. नहीं अनीता जी ये मेरा आइडिया नहीं है. तो ठीक है हम लंच डिनर अलग अलग कर लेंगे. नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है. इट इज ठीक है अगर आप नहीं चाहते तो हम लंच और डिनर एक साथ क्यों करें. नहीं नहीं दरअसल ये मेरा ही आइडिया है. देखा. अच्छा बताइए आपका क्या इरादा है. आई डोंट माइंड.